अब एक चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि आखिर ये वर्कशॉप अटेंड किए बगैर भी काम चल सकता है, या वर्कशॉप अटेंड करना कुछ ज़रूरी आप समझते हैं कि लोग अटेंड करें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, वर्कशॉप अटेंड करना ज़रूरी नहीं है एक चीज़, क्योंकि हर इंसान अपनी दुनिया में मस्त है है ना, खुश है, हाल है, उसे बोले अल्हम्दुलिल्लाह बोल के अपनी दुनिया में जी रहा है ना जी, कोई तकलीफ नहीं आ रही है, वर्कशॉप की जरूरत ही नहीं है तो लेकिन ये जानना है कि वो अपनी दुनिया को जो जी रहा है वो क्या दुनिया है, तो ये वर्कशॉप में आने से ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ जी, मेरा मकसद क्या है, जिंदगी क्या है, शैतान कौन है, अल्लाह कौन है, दुनिया क्या चीज है, आखिरत क्या है, तो ये चीजें फंडामेंटल्स को ये पूरा वर्कशॉप दिखाता है, तब जाके आपको पता चलता है कि मेरे जिंदगी में क्या है। हम तो जानते हैं, हर आदमी जानता है, अब वो मालूमात को हम क्या करते हैं, वो ले लेकर आके दिखाते हैं कि वो उसको कैसा हम अप्लाई करें अपनी जिंदगी में। पूरा कुरान मालूम है, स्कॉलर्स बैठते हैं, आलिमा बैठते हैं, 10-12 साल पढ़े हैं, बैठे हैं, बोलते हैं कि हमें खाली इस मदरसे में थीरी पढ़ाया गया, प्रैक्टिकल ही नहीं था, जब हम वो आके हम वर्कशॉप अटेंड करें तो पता चला कि वो कुरान को अप्लाई कैसा करने तुमने दिखाया। बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को बनाया है, हमको इंसान बनकर रहना है, अब इंसान के अंदर अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है, चॉइस दे दिया गया है, इख्तियार दे दिया कि तुम अपनी मनमानी की जिंदगी जी लो, जी सकते हो, एक जी लो, उसे कोई बुरा नहीं है जी, लेकिन उसका अंजाम क्या है, दुनिया मिल जाएगी, आखिरा नहीं जी। एक और एक अल्लाह ने ये किताब भेजा है और अल्लाह बता रहा है कि तुम मेरे रास्ते पे तुम चलोगे, ये रास्ते पे तुम चलोगे, दुनिया में भी कामयाबी, आखिरा में, आखिरत में भी कामयाबी, तो ये हम फर्क करके दिखाते कि अभी ये रास्ते चलने से क्या होगा, ये रास्ते से चलने से क्या होगा, अब तुम इस तरफ यूज करो जी, घर को हम लोग भी आते हाँ, हम यही बोले कि हम दौड़ रहे हैं भाई, दिस इज द चॉइस, यू लिव योर ओन वे ऑफ लाइफ राइट एंड एंजॉय, देयर इज नथिंग बैड, नंगे फिर लो अपनी मनमानी की दौलत खर्चा कर लो, बेसिक कुछ भी कर लो, अब मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, जी लो मेरी मर्जी की जिंदगी, उसमें कोई नहीं, लेकिन उसका अंजाम है, कॉन्सिक्वेंसेस है उसका, अल्लाह जाहिरी को देख रहा नहीं, बातिन को देख रहा है, बेशक अल्लाह हम अंदर जाके बातिन को अंदर पाक करते हैं तो वो शख्स कामयाब हुआ जो अपने दिल को पाक किया, पाक किया, सही बात है हाँ, तो ये अल्लाह ताला के भी वो कामयाब हुआ जो कल्बे सलीम लाएगा, बेशक अब ये वर्कशॉप में हम वो 3 दिन में अपनी ओवरऑलिंग करते हैं, अपको फाइन ट्यून करते हैं, पूरा अंदर की गलाजा जो दिलों में मर्ज है, कचरा है, कबूरत है, फखर है, घुमंड है जी, जिससे नफरत लोगों से है, वो सबको पाक कर देते हैं और खाली कर देते हैं और अल्लाह की नज़र से अल्लाह से जुड़ जाते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि 3रे दिन कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ।